और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर दो से। माय नेम इज पिंटू देवना, आई एम फ्रॉम मालदा एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एएमए। सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काबा एंड काशी, विल यू एक्सप्लेन मी एज योर काइंड। भाई साहब ने सवाल किया है कि काबा और काशी में फर्क क्या है, काबा और काशी में फर्क क्या है। काबा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 कि काबा अल्लाह सुब्हानहू तआला का सबसे पहला घर जिसे कहा गया बक्का, और अल्लाह तआला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि आप जिधर भी हो काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो। तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है जिसकी तरफ हम देख के अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत करते हैं, और इसका जिक्र कुरान मजीद में है। काबा हमारे लिए किबला है, कोई भी मुसलमान काबा को नहीं पूछता है, लेकिन काबा किबला है, दिशा है यकसानियत के लिए। हम काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह सुब्हान तआला की इबादत करते हैं। काशी एक तीर्थ की जगह है जो हिंदू मजहब की किताब में है, लेकिन जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे या अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ेंगे, काशी का जिक्र किधर भी कुरान मजीद में नहीं है, ना ही कोई अल्लाह के रसूल की हदीस में है। लेकिन आप जब वेद पढ़ेंगे, वेद में काबा का जिक्र है, वेद में काबा का जिक्र है, लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 3 में लिखा है क्या, तीर्थ की एक जगह, तीर्थ मतलब जिस जगह खुदा की इबादत की जाती है, तीर्थ की एक जगह है वो काबा। तो काबा का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 वर्स नंबर 2-6 में लिखा है ब्लेसेड आर दोस पीपल हु विजिट द वैली ऑफ बक्का। तो बाइबल में भी काबा का जिक्र है, हिंदू मजहबी किताब में भी काबा का जिक्र है, और कुरान में इस्लाम की मजहबी किताब में भी जिक्र है। तो अगर हम यकसानियत पे जाएंगे, जो कॉमन है उसे लेंगे, तो काबा सिर्फ कॉमन है तीनों मजहबी किताबों में, और मजहबी किताबों में भी लिखा है। तो जब आप लेंगे तालविला कलिमत इन सवा इन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, तो काबा में यकसानियत मिटती है, लेकिन काशी में नहीं। काशी का जिक्र सिर्फ हिंदू मजहबी किताब में है। तो अगर हम यकसानियत पे अमल करना चाहेंगे, तो आप और हमें मानना पड़ेगा कि काबा अल्लाह सुबहाना तआला का घर है और इबादत गाह है, इबादत करने की जगह है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।